हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ विजीईसी यानी कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के पिछले 2 साल के कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इससे पहले निरमा यूनिवर्सिटी और एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए सेम इसी तरह के पिछले 2 साल के कट ऑफ का एनालिसिस मैंने कर दिया है, तो आपको वो वीडियो देखना है तो आप वो वीडियो भी जरूर से एक बार चेक कर लेना। अब देखिए, यहाँ पर मैं ओवरऑल डिटेल के बारे में बात करना चाहूँ विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो इट इज़ द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। ये काफ़ी वर्थ है यहाँ पे एडमिशन लेना, और सेम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मतलब उसके जैसे ही यहाँ पे भी आपकी फीस रहने वाली है ओनली 1,500 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर इसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मानता हूँ कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे बड़ा जो कोई एडवांटेज है तो वो है कि 1,500 आपकी एक साल की फीस रहने वाली है इंजीनियरिंग की। अब आप सिर्फ यहाँ पर इतना विचार कीजिए कि आपने स्कूल के अंदर कितनी फीस है वो पे की होगी फॉर योर 11th एंड 12th साइंस। तो फिर आप विचार कीजिए कि कहाँ आपने 1-1 लाख रुपए दिए थे 2 साल यानी कि 11th और 12th साइंस के लिए, जबकि उसके सामने सिर्फ 1,500 रुपीज में आपकी एक साल की पूरी फीस है इंजीनियरिंग की विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। अब इसके बाद हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपका काफी अच्छा प्लेसमेंट होने के चांसेस है। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो फिर टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर विजीईसी का नाम आता है, और यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग की बात करें सिर्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो फिर टॉप 5 में आती है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर देन विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो फिर हम सिर्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का कंपैरिजन करने जाए तो फिर विजीईसी का रैंक काफी ऊपर आता है। अब यहाँ पे मेरा एक ही सजेशन ये रहेगा कि आप देखिए, अगर आपको विजीईसी में एडमिशन मिल रहा है तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप यहाँ पे इससे पहले ट्राई कीजिए कि आप एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले मतलब ले पाए, या फिर चॉइस फिलिंग में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को ऊपर रखना। और उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल रहा है तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसके सामने आप निर्मा यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। बट यहाँ पे मैं कहना ये चाहूंगा कि विद टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यानी कि पहले ये विचार कर लेना कि एलडी और विजीईसी की फीस और निर्मा की फीस में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि विजीईसी के ऊपर आप एलडी रखिए और एलडी के ऊपर आप निर्मा यूनिवर्सिटी रखिए। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं कि किस तरह से कट ऑफ मतलब डिफरेंस हुआ है पिछले साल और उससे पिछले साल के लिए। अब देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं यहाँ पे रैंकिंग करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 यानी कि ये 1 साल पहले का डेटा है, और यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है 2 यानी कि ये 2 साल पहले का डेटा है। अब मैं और भी स्पेसिफिक आपको बोलूँ तो फिर नीचे का जो डेटा है वो डेटा है 2021 और 22 के लिए, जबकि ऊपर का जो डेटा है वो ये वाला डेटा होने वाला है 2020 और 21 के लिए। यहाँ पे हम ब्रांच कैटेगरी वाइज बात करें तो पहली होगी ओपन के लिए, उसके बाद है SC, ST, SEBC और EWS। नीचे भी इसी तरह से है, सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ से ओपन से, SC से, ST से, उसके बाद होगा SEBC और उसके बाद लास्ट में होने वाला है EWS। यहाँ पे ये होने वाला है ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसके बाद ये होने वाला है PWD के लिए, और उसके बाद होने वाला है TFWS के लिए। बट ये आप अभी के लिए फॉर दिस वीडियो यू कैन निगलेक्ट इट, यानी कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली कंपेरिजन करते हैं, बट उसके पहले मैं यहाँ पे रैंकिंग देते जाऊँ 1 और 2। आई होप कि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा डेटा पिछले साल का है और कौन सा डेटा 2 साल पुराना है। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि जो सबसे ज्यादा डिमांडेड ब्रांच है और वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो VGEC में लास्ट ईयर के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका मेरिट रैंक क्लोज हुआ था 1111 यानी कि 1111 के ऊपर, जबकि हम 2 साल पहले की बात करें तो वो 1300 के ऊपर क्लोज हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 200 जितना रैंकिंग में डिफरेंस आया है। तो इस साल के लिए आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल आपका मेरिट रैंक क्लोज होगा 1000 से लेके 1150 के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद हम IT की बात करें तो 2 साल पहले IT के अंदर VGEC में मेरिट क्लोज हुआ था 1457 के ऊपर, जबकि पिछले साल यहाँ पे IT में क्लोज हुआ था 1300 के अंदर, यानी कि अब
मतलब कंप्यूटर और आईटी में हर साल मेरिट नीचे ही जाता है, क्योंकि हर साल इन दोनों ब्रांच की सीट्स भी ज्यादा होती है और एज वेल एज इन दोनों सीट्स की डिमांड भी उतनी ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम बात करें तो कौन सी सबसे ज्यादा डिमांडेड ब्रांच है, और वो है ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, जिसमें पिछले साल का कट ऑफ क्लोज हुआ था 7,700 पे, जबकि 2 साल पहले ये कट ऑफ क्लोज हुआ था 7,500 के समथिंग। उसके बाद जो डिमांडेड ब्रांच है वो है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें पिछले साल कट ऑफ क्लोज हुआ था 7,600 के ऊपर, जबकि 2 साल पहले इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था 5,300 के अंदर। तो फिर आप देख सकते हैं कि 2 साल में इसकी मतलब कितना ऊपर कट ऑफ यहाँ पे चला गया है। अब ऐसा होता क्या है जनरली, क्योंकि इन ब्रांच की डिमांड में अप एंड डाउन होता रहता है। देखिए मैं पर्टिकुलर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दूँ तो 2 साल पहले यहाँ पे बायोमेडिकल का कट ऑफ क्लोज हुआ था 13,000 के आसपास, जबकि पिछले साल एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बायोमेडिकल का कट ऑफ क्लोज हुआ था 3,800 के ऊपर। तो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है इन दोनों में। मतलब जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, मतलब डिमांड बढ़ती है, तो उसके सामने इसकी सीट्स में कट ऑफ भी नीचे चला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 2 साल पहले इसका कट ऑफ था 9,500, जबकि पिछले साल इसका कट ऑफ था 11,754। इसके अलावा सिविल की बात करें तो 2 साल पहले 8,000 के आसपास था, 8,000 के आसपास, जबकि पिछले साल था 9,700 के आसपास। इसके अलावा यहाँ पे आईसी मैकेनिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ऊपर भी इसी तरह से है। तो आप यहाँ से इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि कंप्यूटर और आईटी में हर साल कट ऑफ नीचे जा रहा है, जबकि बाकी सारी ब्रांच के अंदर कट ऑफ है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।